रेल मंत्रालय ने जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। जयपुर स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक की ये खास रिपोर्ट। रेल मंत्रालय ने जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। जयपुर स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे पटरियों के ऊपर बेहतरीन रूफ प्लाजा बनाया जाएगा, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए विशाल अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की योजना है। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में हमने एक और खास बात और नई जो अवधारणा लेकर आया है वो है एयर कॉन्कोर्स, जो रूट प्लाजा के नाम से जाना जाएगा। और इस एयर कॉन्कोर्स में जो है हमने एक प्लेटफॉर्म से वन एंड के प्लेटफॉर्म से दूसरे एंड के प्लेटफॉर्म को स्काई वॉक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और ये ऐसा एरिया होगा जहाँ पे हम शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, मूवी थिएटर्स, प्ले एरिया, लॉन्जेज, बहुत सारी चीजें वहाँ ऐसा रखेंगे जो कि ना सिर्फ जिससे यात्री आने वाले सुविधाओं को उपयोग कर सके। पहले चरण में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ऊंचा किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ नया प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज को रीडिजाइन किया जाएगा। इसके अलावा नई स्टेशन बिल्डिंग, फूड प्लाजा, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया जाएगा। तो जयपुर का जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये पर्यटन को और ज़्यादा उत्साह मिलेगा, लोग जयपुर और ज़्यादा घूमने आएंगे इसके लिए। अच्छी बात है, डेवलप किया जा रहा है। तो और अब पर्यटक वैसे ही आते हैं अपने विदेशों से, बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे हम लोग भी आते हैं। हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जाकर अपने देश में बताएंगे कि वहाँ पर ऐसा है वैसा है, अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से बनाया गया है वैसे ये। घूमने आते हैं तो ज्यादातर साफ सफाई को ही देखते हैं। विदेशों से लोग घूमने आते हैं क्योंकि ये मुख्य जयपुर में ही आते हैं ज्यादातर। वहीं दूसरे चरण में ट्रेनों के कंजेशन को कम करने के लिए दो नई लाइन बिछाई जाएगी, जिसके बाद तीन लाइन का स्टेशन कुल पांच लाइन का हो जाएगा। आने वाले दिनों में जयपुर रेलवे स्टेशन पर आपको यहाँ पर नई नवेली कुछ सुविधाएं देखने को मिलेंगी और वर्ल्ड क्लास स्तर पर इसको डेवलप किया जाएगा।